हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। ये है हमारा लेसन नंबर 40, शॉर्ट नोट्स हैं फाइनल के हवाले से। तो इसमें लेसन नंबर 40 में जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्हेन द वीसीआर केम टू पाकिस्तान एंड इंडियन मूवीज एंटर्ड इन आवर सोसाइटी वंस अगेन, इफेक्ट्स इज मेड ऑन आवर सोसाइटी। ये है एक क्वेश्चन। देन है 41 में प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा जो होता है ना, ये लॉन्ग एंड शॉर्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब पेपर के हवाले से, लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी। प्रोपेगंडा जो होता है ये किसी के बारे में, लाइक फॉल्स न्यूज़ बताना है कि वो, मतलब किसी के बारे में कोई बातें बनाना, इस हवाले में आता है ये प्रोपेगंडा वगैरह। डॉक्यूमेंट्री फिल्म, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि आप लोगों ने सारा ही कर लेना, जस्ट कुछ पॉइंट कर लेना ताकि आपका पेपर अच्छे से कवर हो जाए। राइट अबाउट द डॉक्यूमेंट्री फिल्म एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेड इन पाकिस्तान। और ये नहीं कि आप इसमें से करो, हाँ इसमें से आप कर लेना अगर करना हो, अदरवाइज नेट पे भी शॉर्ट्स आप बताया हुआ था वो आप कर लेना, ईजी रहेगा आपके लिए। एलेबोरेट प्रोपेगेंडा मूवीज विद एग्जाम्पल। ये इसमें आगे है लेसन 42। लेसन 42, अब इसमें से मुझे जो था, मुझे ये Z1 कंप्यूटर, इसके बारे में आया था, ये कब हुआ था और ये कौन सा कंप्यूटर था, फर्स्ट था, तो ये मुझे MCQs आया हुआ था, और इसमें से 4-5 मुझे MCQs आए हुए थे। और अगर किसी ने ये कर लिया ना, तकरीबन मेरे हाल से तो 6-7 MCQs के कवर हो ही जाएंगे, तो ये अच्छे से कर लेना कंप्यूटर्स के बारे में ना। देन MCQs हैं ये टाइप्स ऑफ चिप्स, ये पता नहीं मुझे लॉन्ग में आया था या शॉर्ट में आया था, लेकिन मुझे आया ज़रूर था चिप जो होती है ना वो। एंड इसकी इसको डिफाइन करना था और इसके बारे में उनकी टाइप्स बतानी थी। ये दोनों टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन के बारे में, इसमें जो क्वेश्चन बनते थे वो डिस्कस यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर और इन वार, वार में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा अहम करदार है, तो ये भी आ जाता है। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर दैन टाइप्स ऑफ चिप्स, टाइप्स ऑफ चिप्स ये काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। दैन लेसन 43, इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इसमें ये सारे MCQs हैं, ये अंडरलाइन क्यों, ये जस्ट आप पढ़ लेना ताकि इसमें से कोई क्वेश्चन ना बन जाए आगे। इसमें से जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ये माइल्ड एनिमेटेड जो वायलेंस वगैरह, हाँ मुझे कार्टून के बारे में भी, मुझे ना एक MCQs आया हुआ था कि पता नहीं फर्स्ट कार्टून कौन सा है, ये अग्रेसिव ऐसा जो था, इसमें से मुझे आया हुआ था क्वेश्चन ना, तो ये भी आप कर लेना MCQs वगैरह। फिर कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम, ये वाले ये भी इम्पोर्टेंट है इसमें। एक्सप्लेन द मिस इशू, सॉरी एक्सप्लेन द मिस यूज ऑफ कंप्यूटर, डिस एडवांटेज ऑफ ओवर यूज ऑफ कंप्यूटर, एक्सप्लेन द फ्रेज विच यूज ESRB, अ क्वेश्चन कैन बी रिलेटेड साइबर क्राइम। एंड ये जो क्वेश्चन है साइबर क्राइम के बारे में, ये भी काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। और WWW, ये वाला भी तकरीबन MCQs आ जाता होता है। देन हम लोग देखते हैं लेसन 44, राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथ्स मीडिया। इसमें ये है बाकी हाईलाइट की हुई, एक दफ़ा पढ़ने वाले नहीं, अब ये ना कहना कि आपने तो सारा ही बता दिया करने के लिए, मैं जो आपको याद करने वाला है वो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, ये वाला याद करने वाला, ये वाला पढ़ने वाला, एक दफ़ा मतलब MCQs में आ जाता है ना उस हवाले से बता रही हूँ। देन इसके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, UNESC, ओके। एंड ये है 45 रह गया, तो वो देखते हैं हम उसमें, आई थिंक वो अभी मेरे पास है नहीं, वरना मैं वो भी आपको बता दूं। बाकी ये वाला जो है, और बेस्ट ऑफ लक आपको, आपका 3 और 4 के इम्पोर्टेंट पार्ट्स हो गए हैं कवर, और इंशाल्लाह हम लोग अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे। और अगर किसी को मतलब क्विज़ का इतना नहीं पता चल रहा कि क्विज़ कैसे अटैम्प्ट किया जाए, देन मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वो अपलोड करने वाली हूँ, तो वो देख लें कैसे क्विज़ में अच्छे मार्क्स आएंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।